हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो चुका है शाम का टाइम, यहाँ पे देखिए मम्मी अपना काम करना कर दिया। शाम के नहीं रात के समय हो गए। हाँ, रात का खाना भी बन गया है और किचन साफ कर रही हूँ। कितना गंदा हो गया है रोटी बनाकर। रोटी बनता है तो किचन गंदा हो ही जाता है, केवल रोटी से ही गंदा होता है। मतलब पैथन जो आटा लगा लगता है ना उससे ही होते हैं। देखो कुछ गिराओ मत। अरे अरे वही बर्तन धुल लेती हूँ, फिर गैस वगैरह साफ करूँगी, किचन साफ करूँगी, फिर चलूँगी टेरिस पे नहाऊँगी, नहा के तब जाऊँगी टेरिस पे। तो थोड़ा ठंडा रहेगा क्या? हाँ थोड़ा ठंडा रहेगा। हवा भी चल रहा है अभी। हाँ ठंडा ठंडा हवा तो चल रहा है। खुला है टेरिस? हाँ टेरिस पे। मैं तो शाम को भी काम हो गई थी, एक तो रील्स बनाई, खुशी की मम्मी थी वहीं पर, रील्स बनाई उसको अपलोड कर दी। यहाँ पे अभी किचन वगैरह साफ करोगी, झाड़ू पोछा लगेगा, खाना खवाएगा। कितना बज रहा है अभी? 8:30 बज रहा है। इधर लाइट बंद है ठंडी की वजह से। 8:45 हो गया है। क्या हुआ, जल्दी खाना बनाए? केवल जानते हैं टेरिस पे जाने के लिए इतना जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, नहीं तो पहले मैं 9:30-10 बजे खाना बना रही शायद टाकी नहीं लगाया ना, और थोड़ा सा मैं सिलाई कर रही थी, देखिए मशीन पे क्या है, सिलाई कर रही थी। आप लोग के कमेंट आ रहे हैं इनको कुछ आता नहीं है, झूठ मीठ का केवल। चलो कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं आता है, जैसे बोरिंग होके सिलाई करते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है आता, जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ काम बाई मैं हूँ काम वाली बाई, कोई घर में बाई तो बुलाओ, जाओ 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 झाड़ू पोछा तो कराओ हरियर, तब लगेगी घर में काम वाली बाई। मैं खुद एक बाई हूँ। The next morning. Hey guys, good morning, हो चुका है सुबह का टाइम, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या प्याज वगैरह काट रही हो, क्या बनाने जा रही हो? आज मैं कुछ नया नाश्ता बनाने, नया क्या पुराना ही नाश्ता है थोड़ा सा। जानते हैं कि अब हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा सूजी और बेसन बचा हुआ था, इतना है दोनों मिक्स करके, सूजी और बेसन। मैं सोच रही थी इसका मटर बॉक्स का है पता नहीं, मैं सोच रही थी इसका चिल्ला बना दूँ, तो जो उसके चिल्ला, हाँ क्या होता है उल्टा समझ लो, उल्टा उल्टा पुल्टा जिसको बोलते हैं, उल्टा पुल्टा। तो इधर हम प्याज उल्टा पुल्टा गलत गलत, तो हम इसको अभी आधे घंटे इसमें डाल के ना इसको क्या करेंगे, पहले मैं इसको ना बगैर इसमें पानी ले लेती हूँ, पीने वाला पानी भी नहीं है। खैर बिस्लेरी का पानी मंगाती हूँ, लेकिन 20 लीटर का बिस्लेरी है नहीं तो आता नहीं है, इसीलिए मैं इसको जानती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको खुला आधा घंटा के लिए 10 मिनट के लिए भिगो के रख लेती हूँ, और इसमें डालूंगी ये टमाटर प्याज, और इसमें क्या क्या डालूंगी ऐड। भैया आज गया था टिकट निकालने लेकिन मिले ही नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर देती हूँ, रुको हाथ धो लेती हूँ। ये खाने वाला सोडा है क्या? हाँ शायद शायद डाल दू क्या थोड़ा सा, देखे तो है था तो देखो किसी में होगा। खाने वाला सोडा, हाँ खाने वाला सोडा ये है, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ, खूब अच्छे से फूलेगा। क्या होता है, हम किसी का रेसिपी देख के नहीं बना रहे हैं, अपने दिमाग से बना रहे हैं, मन से बना रहे हैं, जो हमारे घर में है सामान है उसी से बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ अजवाइन। अब तो बहुत अच्छा लगेगा, पूछो क्यों? क्यों
जब अजवाइन किसी चीज में चले जाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। इसमें अजवाइन की स्वाद अच्छी लगती है यानी, और इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ। और इसमें दही वही कुछ नहीं डालूंगी गाइस, कुछ भी नहीं डालूंगी, यही है। इसको मैं तब तक ये फूल रहा है इसमें सब मिक्स कर देती हूँ, खाने वाला सोडा ये दही नहीं डालूंगी। लेकिन सोडा, अरे ये सोडा नहीं मिक्स जल्दी नहीं होता है, सोडा मिक्स जल्दी नहीं होता, देखो देखो अभी तक तो है। इसमें डालने के लिए मैं थोड़ा सा प्याज डालूंगी, मिर्चा टमाटर सब कतरी हूँ। तो गाइस आप लोग बन रही है ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद जब बनाऊंगी तब कैसा बनता है कैसा नहीं। तो गाइस इधर देखिए मैं इसको इसका घोल बना के एक तवे पे मैं डाल दी हूँ। और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पहले मैंने तवे पे तेल लगाया, फिर उसके बाद इसको डाल दी हूँ। और ये गोल तो नहीं बना दी, गोल थोड़ी, अब गोल थोड़ी बनेगा, टमाटर प्याज डाला हुआ है। और इसको देखो आसानी से आप मोटा मोटा क्यों बना रही हो, मोटा कैसे, पतला बनेगा क्या, ये मोटे बनते हैं थोड़ा। ये देखिए कितनी आसानी से पलटा जा रहा है, पर हमें तो लग रहा है पलटा जाएगा क्योंकि ये कितनी आसानी से हम इसको पलट दिए। और इस पर हम गर्मा गर्म फिर से एक तरफ ऑयल लगा देंगे, इसको धीमी आंच पे हम इसको होने देते हैं गैस। जब तक ये होता है इसको हम ढक के रख देते हैं, ये होता रहेगा। डेढ़ सारे समय में होता है, डेढ़ सारे समय में होता है, थोड़ा सा इसको मम्मी ढेर सारे समय में होता है नहीं। तो गाइस ऐसे देखिए एक एक अब तो अच्छे से निकल रहा है, आपको पता है एक एक बनता जा रहा है। और बच्चे लोग क्या कर रहे हैं उसको गर्मा गर्म खाते जा रहे हैं। तो इसको मैं तवे पे इसको फैला देती हूँ गाइस, इसको ढकने से क्या होता है ना खूब अच्छे से, देखिए कैसे मैं फैलाती हूँ इसको। यार मैं क्या बनाऊँ खाना, क्या पेट भर के नाश्ता था करती हाँ, उससे करो, ये तावे में चिपकता नहीं है, नहीं चिपकता। इसको ना ढक जाती हैं, इसको ढक देंगे ना खूब अच्छे से ऐसे करके, बस इसको ऐसे ढक देंगे, देखो कि अभी कितना आसानी से ये पलट जाएगा। देखो इतना गोला गोला निकल रहा है ना पूरा, जरा सा भी चिपक भी नहीं रहा है और गरम गरम निकल रहा है अपना। ढकने से क्या है भाप से ना वो नीचे से छोड़ देता है। तो इधर देखिएगा इसको, जानते हैं इसको प्लेट से ढक देंगे ना तो ये जो भाप के तरीके से, भाभी बोल रही थी इसमें चिपकता नहीं है। तो देखिए गाइस कितनी आसानी से छूट जा रहे हैं, हमारे तवे पे लगा हुआ है और कितना गोला गोला निकल रहा है। तो ये भाप के से नीचे छोड़ देता है, हमने ऑयल डाली, इधर हो गया है, बनता जा रहा है, बच्चे खाते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस चार पाँच तो ही बनाए, दो तीन बनाई, आर ओ को अच्छा लग रहा है, बार बार उठा के लेके जा रहा है, हमें लग रहा है दो और बनेगा। ओ इधर ये भी हो गया है, आरो प्लेट लेके आओ, कहाँ है आरो। तो गाइस देखिए एक गर्मा गर्म गोला गोला हो गया है, मैं दे रही हूँ, जाओ तुम खा लो, अब मैं डालूंगी तुम्हें खा लो।